नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ करवा चौथ संपूर्ण पूजा विधि बहुत ही सरल भाषा में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आटे की लोई है, गुदा आटा, इसको हम चिपकाएंगे इसको। आप किसी और चीज़ से भी चिपका सकते हैं और ये नेसेसरी नहीं है, ये मैं केवल वैसे ही चिपका रही हूँ। आप ही लाना चाहें तो ला सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। इसके बाद हम करवा माँ का पोस्टर भी ऐसे चिपका देंगे आटे की लोई से। अगर आप पोस्टर ला रहे हैं तो चिपकाइए। अब हम क्या करेंगे कि मीठा करवा लेंगे। अगर आपके यहाँ पे मीठा करवा दिया जाता है सासू माँ को और हस्बैंड को, तो मीठा करवा लीजिए। और उसमें आपको सबसे पहले चावल भरना होगा और इसके बाद आपको इसमें चीनी भरना होगा। तो मैंने चावल भर लिया है और थोड़ा सा इसमें चीनी भर दूंगी और इस पर कुछ पैसे रख देंगे और इसको हम करवा माँ के पास रख देंगे। ये हम सासू माँ को देंगे और ये वाला करवा जो है हस्बैंड के लिए है, आपके पति देव के लिए है, जो कि हम पूजा के बाद अपने पति देव को देते हैं। इसमें भी चावल और चीनी भर देंगे और इसको भी रख देंगे। इसमें हमें पैसे नहीं रखने। इसके बाद हम क्या करेंगे कि दीप जलाएंगे करवा माँ के आगे। आपके मंदिर में जला लीजिए आप, क्योंकि शाम के टाइम में पूजा होती है तो मंदिर में भी दीप जलाना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, सारा सामान आप पहले से रख लो, धूप बत्ती वगैरह जला लो, अगरबत्ती जला लो। मैं यहाँ पे 5 अगरबत्ती जला रही हूँ, आप जितना चाहें जला सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है कि एक माला लेना है, फूल लेना है और उसको हमें करवा माँ को अर्पण करना है। अगर आपके पास ऐसा पोस्टर है जिसमें कि हार पहना जा सके तो आप माला या हार पहना सकते हैं, नहीं है तो आप करवा माँ के चरणों में रख दीजिए। पूजा के दौरान ही हमें क्या करना है कि मिट्टी का जो करवा है उसमें जल भर लेना है और यह जल हम चंद्रदेव को अर्पण करते हैं। इसके दिए में आप घी भर लीजिए, बाती लगा लीजिए और इसकी टोटी को बंद कर दीजिए आटे की लोई से। इसके अलावा आपको करवे के नीचे गेहूं रखना होता है या फिर चावल रखना होता है, मैंने चावल रखा है, आप कुछ भी रख सकते हैं। और ये जो लोटा आप देख रहे हो, यह इसमें जल भरा हुआ है जिसको कि आप पियोगे। इसके बाद मैं आपको प्रसाद दिखा देती हूँ। तो ये है खांड के करवे, जो कि एक हस्बैंड को देना होता है, एक सासू माँ को देना होता है। इसमें चावल और चीनी भरना होता है। ये है 8 पूरी और हलवा। इसके अलावा फल, आप कितने भी फल रख सकते हैं, आपकी मर्जी है, और मिठाई। तो ये सभी जो है प्रसाद होता है जो कि आपको चढ़ाना होता है। हमारे यहाँ पे पूरी, हलवा और मीठे करवे को रखने का रिवाज है, बाकी चीज़ें रखने का नियम नहीं है। तो आपके यहाँ पे जो भी रखना चाहें आप रख सकती हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे कि सभी देवी देवताओं को पुष्प अर्पण करेंगे। तो गणेश जी को, पार्वती माँ को, भोले बाबा को, कार्तिकी को हम फूल अर्पण करेंगे। इसके बाद हम चंद्रदेव के जल में भी फूल डाल देंगे, उनको भी हम फूल अर्पण करेंगे। तो करवे में भर लीजिए फूल। इसके अलावा आप अपने मंदिर में जितने भी देवी देवता हैं सभी को फूल अर्पण कर सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है कि रोली लेना है। रोली में थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ा गीला कर लेना है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है कि एक सिंदूर का नया पैकेट लेना है और उसको भी रख देना है, पूजा में शामिल करना है। इसके बाद हमें श्रृंगार का सामान यहाँ पर चढ़ाना होगा, जो आप अपनी सासू माँ को देंगी, पंडित जी को, किसी को भी देना जिसको आप देना चाहती हैं। तो साड़ी रखिए और जितने भी श्रृंगार की चीज़ें होती है ना आप वो रखिए। तो मैंने साड़ी रखी है, बिछुआ रखा है, क्योंकि बिछुआ का बहुत ज़्यादा महत्व होता है करवा चौथ पे। तो बिछुआ रखिए, साड़ी रखिए। इसके अलावा आपको रखना होगा कंघी, चूड़ियाँ रख सकते हैं आप लाल रंग की, और जिसको दे रहे हैं उसके हाथ का साइज होना चाहिए। इसके अलावा सीसा रख सकते हैं आप, जितने भी श्रृंगार की चीज़ें होती हैं ना आप वो सब रख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। मेहंदी, अलता यानी कि महावर, वो रख सकते हैं बालों में लगाने के लिए, क्लिप वगैरह, रबर वगैरह, जो भी आपको अच्छा लगे आप वो रख सकती हैं। और तेल रख सकते हो, लिपस्टिक, काजल, बिंदी, चूड़ी, नैन पॉलिश, ये सभी जितने भी चीज़ें होती हैं ना आप वो रख सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है कि सिंदूर लेना है, उसको आपको करवा माँ को लगाना है, पार्वती माँ को लगाना है, और उसी सिंदूर को आपको अपनी मांग में लगाना होगा। कुछ लोग 5 बेर लगाते हैं, कुछ लोग 7 बेर लगाते हैं, तो जितना आपको अच्छा लगे आप उतना लगा सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है कि
सबको तिलक करना होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रोली लेंगे और इससे हम कड़वा माँ को, शिव जी को, पार्वती माँ को, कार्तिकेय को, गणेश भगवान जी को, सूर्यदेव को, चंद्रदेव को, जितने भी देवी देवता हैं सभी को आपको जो है टीका करना होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे कि कड़वे पे हम स्वास्तिक बनाएंगे, बहुत शुभ होता है तो आप स्वास्तिक बनाइए। इसके बाद हमें क्या करना है कि कड़वे पे 13 बिंदी लगानी होती है, या फिर आप ऐसे भी 13 बिंदी बना सकती हैं रोली से, तो गिनकर 13 बिंदी बना दीजिए या फिर 13 बिंदी इस पे लगा दीजिए। तो ये हो गया 13 बिंदी, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अपने माथे पे भी लगा लेना है टीका, आपके घर में जो भी सदस्य हैं आप उनके भी टीका लगा सकती हैं। इसके बाद हमें क्या करना है कि एक का सिक्का लेना है और इसे हम कड़वे में डाल देंगे। ये हम चंद्रदेव को अर्पण कर रहे हैं। इसके अलावा हमें कड़वे में थोड़ा सा चीनी डालना होगा, और इसके अलावा हमें कड़वे में 13 गेहूं के दाने या फिर चावल के दाने डालने होंगे, तो मैंने 13 चावल के दाने इसमें डाल दिए हैं। इसके बाद हमें क्या करना है कि थोड़ा सा पूरी, थोड़ा सा हलवा लेना है, इसे भी हमें कड़वे में डाल देना है। इसके अलावा आप मिठाइयाँ डाल सकते हैं, जो भी आपका मन करे चंद्रदेव को अर्पण करने का आप वो सभी चीज़ें इसमें डाल सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा मिठाई लेके कड़वे में डाल देती हूँ चंद्रदेव को अर्पण करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा मैं दो मिठाइयाँ अलग निकाल के धर लेती हूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे कि कलावा लेंगे, यानी कि मोली लेंगे, और सभी कड़वे पर बांध देंगे। अपने हस्बैंड के कड़वे पर बांध देंगे, सासू माँ को जो कड़वा देंगे उस पर बांध देंगे, और समस्त से परिवार को कलावा बांध सकते हैं, उनको दे सकते हैं, अर्पण कर सकते हो। और मिट्टी के कड़वे पे भी हम कलावा बांध लेंगे। इसके बाद ये पुस्तक देख सकते हैं आप, जिसमें कि आपको करवा चौथ की कहानी मिल जाता है, तो इसमें हम कहानी पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, उससे पहले हमें अपने हाथों में 13 चावल के दाने या फिर गेहूँ के दाने रखने होंगे, और उसके बाद ही हमें कथा पढ़ना होता है या फिर सुनना होता है। तो मैं यहाँ पर 13 चावल के दाने ले रही हूँ। दोस्तों, सभी चीज़ें कड़वा माँ को चढ़ाने के बाद हमें कथा सुनना होता है। तो हम 13 चावल के दाने या फिर गेहूं के दाने अपने हाथ में रखते हैं, मुट्ठी बंद करते हैं, उसके बाद हम कथा पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं। तो चलिए कथा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्राचीन काल में एक कड़वा नाम की स्त्री महान पतिव्रता थी, जो अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गाँव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने को गया। देव योग से स्नान करते समय वहाँ एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। तब वह मनुष्य करवा करवा करके अपनी पत्नी को चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगा। अपने पति की आवाज़ सुनकर उसकी पतिव्रता करवा भागी हुई चली आई, और उस पतिव्रता ने आते ही मगर को कच्चे सूत के धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह अपने पतिव्रत धर्म के बल से यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है। इस अपराध में आप अपने बल से मगर को नर्क में डाल दो। करवा की यह बात सुनकर ये हम बोले कि अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं अभी उसको नहीं मार सकता। यमराज की बात सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की यह बात सुनकर यमराज भयभीत हो गया। अंततः उस पतिव्रता के साथ जाकर उस मगर को यमलोक में पठा दिया और उसके पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। उसी दिन से ये करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, वैसे ही सभी पतियों की रक्षा करना। आप 5 कहानी पढ़ सकते हो, या फिर जितना आप पढ़ना चाहो उतना पढ़ सकते हो, ठीक है। तो कथा पढ़ने और सुनने के बाद आपको क्या करना है, आरती करना है गणेश भगवान का और करवा माँ का। आप चाहें तो पार्वती माँ का और शिव जी का भी आरती कर सकते हैं, ठीक है। आरती कीजिए और आरती ले लीजिए, अपने घर वालों को आरती दे दीजिए, और मैं भी आप लोगों को आरती दे देती हूँ, ले लो जी। पूजा करने के बाद सारा सामान ये अपनी सासू माँ को देते हैं। सासू माँ को ना हो तो क्या करना है, इसे पैक करा के भेज दीजिए सासू माँ के पास, ठीक है। ये हम गाय को दे सकते हैं खाने के लिए, एक करवा पति को देना है सासू माँ को। और हम क्या करते हैं, करवा को ना बहुत सारी महिलाएं करती हैं तो फेरती हैं आपस में ना, हाल चेंज करती हैं। अब अकेले कर रहे हो तो उसे उठा के आप इस तरीके से घुमा सकते हैं यहाँ पे, तो वापस यहीं रख लो।
हाथ जोड़ी और लास्ट में ही करना है हाथ जोड़ लीजिए। कोई गलती तो आपको माफ करे, हाँ जी, आपने जिस मकसद से व्रत रखा है वो मकसद आपकी पूर्ण करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप चंद्रदेव की पूजा कैसे कर सकते हैं, कैसे अपना व्रत खोल सकते हैं। तो सबसे पहले चांद्र का वेट कीजिए, जैसे ही चांद आपको दिख जाता है तो आपको क्या करना है कि दीप जलाना होगा, जिसमें कि आपने पहले से ही घी भर के रखा हुआ है, बाती लगा के रखा है, तो अपना दिया जला लीजिए और धूप बत्ती जला लीजिए चंद्रदेव के लिए। इसके बाद आपको क्या करना है, छलनी लेनी है और छलनी से चांद को देखना होगा। जब आप छलनी से चांद को देख लेती हैं तो उसके तुरंत बाद आपको क्या करना है कि उसी छलनी से, उसी दीप से अपने हस्बैंड को भी देखना है। जब आप हस्बैंड को देख लेती हैं, अपने पति देव को देख लेती हैं, उनका दर्शन हो जाता है, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको चंद्रदेव की आरती करनी है। आरती मतलब ये कि चंद्रदेव को आप दीप दिखा दो और उसके बाद उनकी पूजा कर लो, जैसे भी आप करते हैं, और उसके बाद आप अपने हस्बैंड की भी आरती उतार सकती हैं। आरती उतारने के बाद आपको क्या करना है, चंद्रदेव को जैसा आप पूजा करते हो ना वैसे ही कर लो और अपने हस्बैंड को टीका लगा दो, मिठाइयाँ खिला दो। और इसके बाद आपको क्या करना है, टोटीदार करवे से जो है चंद्रदेव को जल अर्पण करना है और मन ही मन आपको उनसे प्रार्थना करना है, हाथ जोड़ना है और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगना है। जो भी आप कहना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने हस्बैंड से आशीर्वाद ले लीजिए और उसके बाद जल ग्रहण कर लीजिए, कुछ खा लीजिए और उसके बाद अपने घर के जितने भी बड़े हैं उनसे आशीर्वाद ले लीजिए और आप उसके बाद आपका व्रत संपन्न हो जाता है। तो थैंक यू।